when two positions of dice are given in which one face is common. जब पासों की दो स्थिति दी गई हो जिसमें एक फलक उभयनिष्ठ हो यानी एक फेस कॉमन हो, तो उसके लिए प्यारे बच्चों मैं क्वेश्चन लूंगा और क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊंगा। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन लिया मैंने, जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, मेरे पास एक डाइस थी, उस डाइस को जब मैंने रोल किया पहली बार तो उस पर मुझे अंक नजर आए 4, 3 और 5, और उसी डाइस को फिर मैंने दोबारा रोल किया, उसी पासे को जब मैंने दोबारा फेंका तो इस बार उस पर जो मुझे अंक नजर आए वो थे 2, 6 और 3। क्या नजर आए? 2, 6 और 3। अब प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, सोल्व करने का पैटर्न होगा क्या उस बात को समझिएगा। यदि मैं बात करता हूं बच्चों इन दोनों पोजीशन को, यदि मैं ध्यान से देखता हूं तो इन दोनों पोजीशन में एक फेस कॉमन है यानी एक नंबर कॉमन है, वो नंबर कॉमन क्या है? 3। क्या नंबर कॉमन है? 3। तो उसको सर्कल कर लिया मैंने। अब हमें करना क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यानी कुल मिलाकर बात यह हुई कि पहली और दूसरी इन दोनों पोजिशन के अंदर जो नंबर कॉमन था वो नंबर क्या कॉमन था? 3 कॉमन था। अब ध्यान दीजिएगा, फिर आप घड़ी की दिशा में चलिए, किससे? 3 से। पहली पोजीशन में घड़ी की दिशा से मैं चलता हूं, 3 के बाद 4 आ रहा है और 4 के बाद क्या नजर आ रहा है? 5। यानी 3 के बाद 4 और फिर क्या नजर आ रहा है? 5। कौन सी में? पहली पोजीशन में। ऐसे ही दूसरी पोजीशन में ध्यान से देखना, मैं चलता हूं घड़ी की दिशा में, 3 के बाद तो पहले 6 आ रहा है और फिर क्या आ रहा है? 2। 3 के बाद आया 6 और फिर क्या आ रहा है प्यारे बच्चों? 2। इसको बड़ी आराम से लिख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब यहां से ध्यान दीजिएगा बच्चों, होगा क्या, यहां से हमें पता चल गया कि 5 के अपोजिट तो क्या होगा? 2 होगा। 4 के अपोजिट यहां पर 6 होगा। और देखिएगा अब बात आती कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 3 के लिए एक ही नंबर बचा। अब ध्यान देखेंगे इन दोनों पोजिशन में जो नंबर हमें नजर आ रहे हैं वो 2, 3, 4, 5 और 6, तो एक ही नंबर बचा है, एक जो हमें नजर नहीं आ रहा, तो वो बचा हुआ नंबर इसके अपोजिट होगा जो दोनों में कॉमन है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो यहां से हमें कंफर्म हो चुका है, क्या कंफर्म हो चुका है, कि यहां पर 1 के अपोजिट 3 है, 4 के अपोजिट 6 है और 5 के अपोजिट क्या है? 2 है। तो प्यारे बच्चों ये रूल लगाकर आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, यानी हमें यहां से क्या पता चलता है कि जब किसी भी डाइस की दो पोजिशन दी है और उसमें केवल एक ही फेस कॉमन है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नॉर्मल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे स्टैंडर्ड हो, हम यहां से सारे अपोजिट फेसेस को डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी दोनों पोजीशन में यदि एक ही फेस कॉमन है तो सारे अपोजिट फेसेस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे खत्म करते हैं बच्चों, उस बात को और समझिएगा, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। यहां पर है सिंपल सा, हमें क्या कहा गया है, फाइंड द फेस अपोजिट टू द फेस मार्क्ड एज 3। हमें बताना है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक नजर आएगा। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं, सबसे पहले वो नंबर मार्क कीजिएगा जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है? 5। दोनों में कॉमन क्या है? 5। फिर घड़ी की दिशा में चलिएगा, पहली पोजिशन में 5 के बाद 3 और 3 के बाद क्या नजर आ रहा है? 6। दूसरी पोजिशन में 5 के बाद 2 और 2 के बाद क्या नजर आ रहा है? 1। तो यहां से पता लग गया 6 के अपोजिट क्या है? 1 है। 3 के अपोजिट क्या है? 2 है। बस हमसे यही तो पूछा गया था और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है बच्चों। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, फाइंड द फेस अपोजिट द फेस मार्क्ड एज 6। 6 के रूप में अंकित फलक के विपरीत फलक ज्ञात करें। 6 के रूप में अंकित फलक के विपरीत फलक ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं कहता हूं इन दोनों में जो नंबर कॉमन है ना वो क्या नंबर कॉमन है? 6। तो मैं यदि घड़ी की दिशा में चलता हूं तो 6 के बाद 2 है और फिर क्या है? 3। और दूसरी पोजीशन में घड़ी की दिशा में 6 के बाद 5 और फिर क्या है? 4 है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से हमें क्या पता चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां से पता चल रहा है 3 के विपरीत 4 है, 5 के विपरीत 2 है, तो 6 के विपरीत एक ही नंबर तो बचा, क्या बचा? 1। तो वही क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और वैसे भी बच्चों इस क्वेश्चन को तो मात्र 2 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। कैसे? जब आपसे देखिएगा, जब भी क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि एक ही दो पोजिशन है और उन दोनों पोजिशन में केवल एक नंबर कॉमन है, ठीक है,
तो याद रखिएगा जो नंबर दोनों पोजीशन में कॉमन होता है ना, वो हरदम उस नंबर के अपोजिट होता है जो उन दोनों पोजीशन में नजर नहीं आ रहा। तो प्यारे बच्चों इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी? क्योंकि यहां पर इन दोनों पोजिशन में जो नंबर कॉमन है वो क्या नंबर कॉमन है? 6। और हमसे पूछा भी किसके बारे में गया है? 6 के बारे में। तो 6 किसके विपरीत होगा प्यारे बच्चों? 6 उस नंबर के विपरीत होगा जो दोनों पोजीशन में नजर नहीं आ रहा, और दोनों पोजीशन में जो नंबर नजर नहीं आ रहा वो क्या है? 1। क्या है? 1। तो क्वेश्चन का राइट आंसर भी वही होगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में भी समझिएगा, इस बार देखिएगा, फाइंड द फेस अपोजिट टू द फेस मार्क्ड एज 6। 6 के रूप में अंकित फलक के विपरीत फलक ज्ञात करें। अब यहां पर बच्चों देखिएगा, क्या इन दोनों पोजीशन में 6 कहीं पर नजर आ रहा है? आ रहा है इन दोनों पोजीशन में? नहीं नजर आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों इन दोनों पोजीशन को यदि मैं ध्यान से देखता हूं तो इन दोनों पोजीशन में नंबर जो कॉमन है वो क्या नंबर कॉमन है? 3 कॉमन है। क्या कॉमन है? 3। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, 6 के विपरीत यहां पर कौन सा होगा? 3। यानी यदि आपसे एक ऐसे नंबर के बारे में पूछा जाए जो दोनों पोजीशन में नजर नहीं आ रहा, तो वो हरदम उस नंबर के अपोजिट होगा जो दोनों में कॉमन है। तो मेन बात क्या है बच्चों, दोबारा कहता हूं मैं, क्या यदि आपसे एक ऐसे नंबर के बारे में पूछा जाए जो दोनों पोजीशन में क्या है? नजर नहीं आ रहा, तो इस नंबर के अपोजिट तो नंबर पूछा था, तो यानी जो दोनों पोजीशन में नजर नहीं आ रहा वो नंबर हरदम उस नंबर के अपोजिट होगा जो दोनों में कॉमन है, और दोनों में कॉमन क्या है प्यारे बच्चों? 3 कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है? 3। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा अगला टाइप क्या है, When two position of a dice are given in which two faces are common, जब 500 की दो स्थितियां दी गई हो जिसमें दो फलक उभयनिष्ठ हो। तो यहां पर इस क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा इसको थोड़ा सा। 3, 5, 2 पहली पोजीशन में ये नंबर नजर आ रहे हैं, वहीं पर दूसरी पोजीशन में जो नंबर नजर आ रहे हैं वो क्या है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, वो मैंने कह दिए वो है 2, 3 और 6। क्या है? 2, 3 और 6। अब बच्चों याद रखिएगा, हरदम जब किसी भी पासे की दो स्थिति दी गई हो और उसमें दो सतह समान हो तो फिर असमान सतह हरदम एक दूसरे के अपोजिट होती है। मतलब क्या बच्चों, इंग्लिश में भी सुन लीजिएगा, व्हेन टू पोजिशन ऑफ ए डाइस आर गिवन इन विच टू फेसेस आर कॉमन देन अनकॉमन फेसेस विल बी अपोजिट टू ईच अदर। अब यदि मैं कहता हूं इन दोनों पोजीशन में ध्यान से यदि आप देखेंगे तो प्यारे बच्चों दो नंबर कॉमन है, वो दो नंबर कौन कौन से हैं? 2 और 3। तो यानी ऐसे केस में हरदम होता क्या है बच्चों कि जो अनकॉमन फेस है यानी जो दोनों में असमान है वो हरदम एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये रूल याद रखना, यहां पर जब किसी डाइस की दो पोजीशन दी गई है और उसमें दो नंबर कॉमन है, कितने नंबर कॉमन है प्यारे बच्चों? 2। तो ऐसे केस में होता क्या है हरदम, जो अनकॉमन नंबर होते हैं ना वो एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। जो अनकॉमन नंबर है वो क्या होगा? एक दूसरे के अपोजिट। अब यहां पर भी पैटर्न को समझिएगा बच्चों, यदि आपको यहां से 5 के बारे में पूछा जाए तो आप कहेंगे 5 के अपोजिट होगा 6, और यदि आपसे पूछा जाए 2 के अपोजिट क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, 2 के अपोजिट ना तो 3 हो सकता ना ही 5, वो तो उसके साथ नजर आ रहे हैं और 2 के साथ तो 6 भी नजर आ रहा है। तो जो वही पुरानी बात बच्चों, जब आपसे एक ऐसे नंबर के बारे में पूछा जाए जो दी गई पोजीशन में नजर आ रहा है तो वो हरदम किसके अपोजिट होता है? जो पोजीशन में नजर नहीं आ रहे, वो दो नंबर एक ही बचते हैं, कौन से? 1 और 4। क्या बचते हैं? 1 और 4। तो 2 के अपोजिट क्या होगा? या तो 1 होगा या 4, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। और यदि मान लीजिएगा आपसे पूछा जाए 1 के अपोजिट, ठीक है ना, तो आप देखेंगे 1 तो यहां पर नजर नहीं आ रहा ना, तो जो नंबर नजर नहीं आता वो किसके अपोजिट होते हैं? जो नंबर नजर आ रहे हैं, पर उनमें से 5 और 6 तो एक दूसरे के अपोजिट पेयर बना चुके हैं, तो यानी 1 किसके अपोजिट होगा? या तो 2 के या 3 के। 1 किसके अपोजिट होगा? या तो 2 के या 3 के। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, 5 तो अपोजिट आ गया 6 के, बचे कौन से नंबर? 2 और 3। तो ये दोनों नंबर किन दो नंबर के अपोजिट होंगे? जो नंबर नजर नहीं आ रहे, और वो नंबर कौन से हैं? 1 और 4। तो ये दोनों इन दोनों के अपोजिट, ये दोनों इन दोनों के अपोजिट। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पर देखिएगा कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द फेस अपोजिट टू द फेस मार्क्ड एज 5।
पांच के अपोजिट क्या होगा हमें बताना है बच्चों इस नंबर के कि पांच के अपोजिट क्या होगा। तो ध्यान देखिएगा बच्चों यहां पर छह और तीन दोनों पोजीशन में कॉमन है तो पांच के अपोजिट होगा चार। एक सेकंड में क्वेश्चन सोल्व करो और आगे बढ़ो, ज्यादा मत सोचो, सिंपल ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द फेस अपोजिट टू द फेस मार्क्ड एज वन, वन के अपोजिट क्या होगा। अब देखिएगा बच्चों यहां पर क्या है, इन दोनों पोजिशन में दो नंबर कॉमन है वन और टू, यानी फोर तो अपोजिट आ गया फाइव के, पर हमसे पूछा गया किसके अपोजिट एक, तो यहां पर एक और दो के अपोजिट वो दो नंबर होंगे जो हमें नजर नहीं आ रहे, और इस स्थिति में हमें जो नंबर नजर नहीं आ रहे वो कौन से, तीन और छह। इन दोनों के अपोजिट ये दो और इन दोनों के अपोजिट ये दो, हमसे पूछा गया है कि एक के अपोजिट क्या होगा, तो एक के अपोजिट या तो तीन होगा प्यारे बच्चों या क्या होगा छह होगा। तो उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, अब यहां पर देखिएगा फाइंड द फेस अपोजिट टू द फेस मार्क्ड एज फोर, फोर के अपोजिट क्या होगा। चार के रूप में अंकित फलक के विपरीत फलक ज्ञात करें। अब चार तो हमें नजर ही नहीं आ रहा, चार यहां पर कहीं नजर आ रहा है नहीं। अब हमसे एक ऐसे नंबर के बारे में पूछा गया है जो दी गई पोजिशन में नजर ही नहीं आ रहा, तो वो नंबर हरदम किस नंबर के अपोजिट होगा जो पोजिशन में नजर आ रहे हैं। यहां पर देखिएगा बच्चों यहां पर दो फेस कॉमन है, कौन कौन से, पांच और छह। पांच और छह क्या है, कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अनकॉमन नंबर एक दूसरे के अपोजिट हो गए, यानी यहां से हो गया बच्चों दो तो अपोजिट आ गया किसके, तीन के। अब बात है पांच और छह किसके अपोजिट होंगे, पांच और छह उन दो नंबर के अपोजिट होंगे जो नजर नहीं आ रहे, और वो दो नंबर कौन से हैं, एक और चार। कौन से हैं, एक और चार। तो यानी इन दोनों के अपोजिट ये दो, इन दोनों के अपोजिट ये दो, पर पर्टिकुलरली हम फिक्स नहीं बता सकते कौन सा नंबर किसके अपोजिट। तो जब पूछा जाए चार के अपोजिट क्या होगा, तो चार के अपोजिट इन दो में से कोई एक होगा, तो प्यारे बच्चों आंसर बन जाएगा पांच या छह। क्या बन जाएगा, पांच या छह। तो आई थिंक आप सभी को कंसेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।